मेहंदी में बस ये एक चीज मिला के लगाओ, आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे। और साथ में अगर आप इस तरीके से बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आपके बाल रफ भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2/3 कप हिना यानी मेहंदी, या फिर आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग भी हिना ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम लेंगे 1/4 कप इंडिगो पाउडर। तो यही है वो चीज़ जिसको ऐड करने के बाद में आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच आंवला पाउडर। और फिर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हेयर कंडीशनर। और फिर इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी चाय पत्ती का पानी, टी वाटर, जितना मुझे जरूरत पड़ेगी उतना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी, जो कि हमारे बालों पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बस जो हमारी मेहंदी है वो बालों में लगाने के लिए तैयार हो गई है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है जैसी कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आप जिस भी तरह से हिना को अपने बालों में अप्लाई करते हैं उसी तरीके से अपने बालों में हिना को अप्लाई कर लीजिए। ये हिना आपके ग्रे हेयर को बहुत ही इजीली कवर करेगी। ये हिना आपके बालों को रेड ना करके ब्लैक बनाएगी। आपको सच में इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। इस हिना को अप्लाई करने के बाद में इसे आप आराम से 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और रिजल्ट्स खुद देखिए। अभी मैं हिना अप्लाई करने के बाद में आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। और इस तरीके से मेहंदी लगाने से आपके जो बाल हैं वो रफ नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी लगेंगे आपको, और जो कलर आने वाला है उसको देखकर भी आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मेहंदी अप्लाई करने के बाद में मैंने जो बाल थे वो धुलवा दिए थे, तो मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ कि किस तरीके के बाल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी एक बार इस तरीके से मेहंदी लगा कर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है रिज़ल्ट। तो अगर आप इस तरीके से मेहंदी लगाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।